मोहम्मद राशिद ने सही बना लिया, इसमें बुलेट पॉइंट्स भी लगा लिए हैं और हेडिंग्स का इस्तेमाल कर लिया है इसमें। ठीक है, इमेज नहीं लगाई आपने इसमें, फ़ोटो। अच्छा, लिंक्स का भी इस्तेमाल किया आपने, गुड यार। ये लिंक्डइन है आपका, सही है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये अच्छा। हाँ नहीं, चलो ठीक है, इसमें हेडिंग लगा दी आपने और एक फ़ोटो लगा दी है। अच्छा, माय पोर्टफोलियो इन रिएक्ट, यार आपने होस्टिंग वाला लिंक नहीं इसमें लगाया। हाँ हाँ नहीं, होस्टिंग का लिंक लगाना तो ये मस्त था ना, ये असाइनमेंट आपका कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, ये आपने इसमें होस्टिंग का लिंक लगाना है। अच्छा, अब रिएक्ट की ऐप जो है ना जीएच पेजेस में थोड़ा सा मुश्किल से होस्ट होती है। ठीक है, तो वो अगर आपने रिएक्ट में बनाया है तो रिएक्ट की होस्टिंग आपको आनी चाहिए। हाँ, नेटलीफाई पे कर लो। अच्छा, ये काशान अदनान, वायर गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, ये किस पे बना हुआ, HTML पे या रिएक्ट पे बनाया? HTML पे, गुड यार, बहुत अच्छा बनाया। ये सब अपने हाथ से बनाया तुमने, टेम्पलेट्स वगैरह तो नहीं डाउनलोड करके बनाया? गुड यार, हाथ से बना लिया इसने। UI पे तो हाथ अच्छा है तुम्हारा यार। अच्छा, इसकी ना इंस्पिरेशन देखो ले सकते हैं, अच्छी बात है। जैसे आपने इंटरनेट पे कोई फाइल देखी ना, कोई वेबसाइट देखी, कोई टेम्पलेट देखा, उससे इंस्पिरेशन लें आप। लेकिन फ़िलहाल मेरा मशवरा है सब लोगों को कि टेम्पलेट्स का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, टेम्पलेट को देख के ना वैसा हाथ से बना लें, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि ये पॉइंट पर आपको हाथ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, बजाय इसके कि ना आप शॉर्टकट मारें। अच्छा, ये आपने डबल भेज दिया है। अच्छा जी, गुड यार, क्या बात है। अच्छा जी, ये इमेज थोड़ी स्ट्रेच हो गई है, ये स्ट्रेच इस वजह से हुई है, देख लेते हैं किस वजह से हुई है। कि आपने ना इस पर विड्थ और हाइट दोनों लगा दिए, और हाँ, विड्थ और हाइट आपने दोनों लगा दिए। इस पर ना कोशिश करते हैं हम कि एक लगाएं। ठीक है, वैसे तो दोनों लगाते हैं विड्थ और हाइट, लेकिन विड्थ और हाइट दोनों लगाने के बाद ना फिर वो इमेज चेंजेबल, मतलब रिस्पॉन्सिव करना उसको डिफ़िकल्ट रहता है। तो मैं हाइट जैसे ही हटाऊँगा ना, देखें ये बेहतर हो गई है कुछ। ठीक है, लेकिन अभी भी स्ट्रेच हो रही है। अच्छा, ये इमेज है ही थोड़ी वो, मतलब ओवल शेप में, राइट? ये थोड़ी ओवल शेप में है इमेज, ये तो ये एक्चुअली इमेज के ऊपर जो विड्थ और हाइट लगती है ना, जो विड्थ और हाइट का जो एट्रीब्यूट लगता है ख़ास तौर पर, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि एक्चुअल में जिस साइज़ की वो इमेज होती है ना, उसी साइज़ का हम वो उस पर विड्थ और हाइट लगाते हैं। ठीक है, इस विड्थ और हाइट का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि मैं इमेज जितनी बड़ी है उससे छोटी करके दिखा दूँ, या जितनी बड़ी है उससे बड़ी करके दिखा दूँ। हो जाती है बड़ी विड्थ हाइट को चेंज करने से, लेकिन हम ये करते नहीं हैं कभी भी। इसका डाउन साइड ये होता है कि अगर आपकी इमेज बड़ी है और आप छोटा करके दिखा रहे हैं, तो वो डाउनलोड तो बड़े साइज़ की इमेज हो रही है, तो पेज का जो लोड टाइम है वो तो आपका बढ़ रहा है साइज़ की वजह से, लेकिन आप उसको दिखा छोटा करके रहें। तो बेहतर ये है कि वो छोटी ही जनरेट करें उस इमेज को, ताकि उसका साइज़ भी कम हो, लोड फास्टर हो। और अगर कोई इमेज आपकी छोटी है साइज़ में और उसको आप साइज़ में बड़ा करके दिखा रहे हैं, तो वो ब्लर होगी, ऑब्वियसली किसी ना किसी दर्जे में वो ब्लर होगी, तो ये भी बैड यूज़र एक्सपीरियंस का सबब बनेगा। तो एक्चुअल में आपको क्या करना होता है, जितने बड़े साइज़ की इमेज आपको दिखानी होती है स्क्रीन पे, आप उतनी ही बड़े साइज़ की इमेज को जनरेट करते हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं वेब के लिए। ठीक है, जो लोग फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं उसमें ये कि वो एक्सपोर्ट फॉर वेब का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, या फोटोपिया जो ऑनलाइन एक ऐप है, मैं तो फोटोशॉप यूज़ नहीं करता, मैं फोटोपिया यूज़ करता हूँ, ऑनलाइन एक है वो बिल्कुल फोटोशॉप की तरह है। तो उसमें भी एक्सपोर्ट फॉर वेब करके एक ऑप्शन आ रहा होता है। उसमें क्या होता है जी, वो आप क्वालिटी को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसका साइज़ बहुत सही कर देता है वो अकॉर्डिंग टू वेब ना, क्योंकि वेब में आपको क्या आपका वो होता है कि जी बेहतर क्वालिटी हो इमेज की और साइज़ उसका छोटे से छोटा हो। तो प्रिंट के लिए फोटोपिया, फोटोपी बोलते हैं वैसे इसको, सही है ये, फोटोपी बोलते हैं इसको सही प्रोनाउंसिएशन, लेकिन भाई फोटोपिया बोलने का भी एक अपना ही मजा है, सही है। जो यूटोपिया होता है ना, यूटोपिया पता है ना, यूटोपियन
जो फिक्शन लिखते हैं उसमें जो फ्यूचर दिखाते हैं, फिक्शनल फ्यूचर जो है, उसमें दो तरह के फ्यूचर्स होते हैं, एक होता है यूटोपिया, एक होता है डिस्टोपिया। यूटोपियन फ्यूचर जो है ना, उसमें होता है वो सब कुछ सेट सेट चल रहा है, ओके चल रहा है, टेक्नोलॉजी जो है ना इंसानों को बड़ा हेल्प आउट कर रही है, डेथ का भी क्योर है उसमें कि भाई डेथ भी ख़त्म हो गई, ये सब ओके चल रहा है और टेक्नोलॉजी गुड के लिए यूज़ हो रही है, ह्यूमन को हेल्प कर रही है। तो वो उस यानी यूटोपिया से बहुत सारी चीज़ों के नाम में अपना इसको इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो ये फोटोपिया जो है ना, ये भी असल में शायद इसने इसलिए नाम रखा है कि ये फोटोशॉप का यूटोपियन फीचर है। बच्चों इधर कुछ हम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? हैं? अच्छा नहीं, ये भी प्रॉब्लम तो वो देखने का टाइम ख़त्म हो गया ना। तो ये फोटोशॉप का ना यूटोपियन वर्जन है शायद इसलिए उन्होंने फोटो पी, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ठीक है, लेकिन आई थिंक फोटोपिया जो है वो ज़्यादा बेहतर नाम है। और डिस्टोपियन फ्यूचर जो होता है उसमें वो दिखाते हैं कि जी वो टेक्नोलॉजी जो है ना उसका बैड यूज़ दिखाते हैं। ये फिक्शन में आमतौर पे ये दो कैटेगरी देखते हैं हम, उसमें दिखाते हैं कि जी वो टर्मिनेटर आ गया है, बंदों को मार रहा है और मशीन ने टेक ओवर कर लिया है, और वो काइंड ऑफ वो पोस्ट एपोक्लिप्टिक फ्यूचर दिखाते हैं कि जी वो एपोक्लिप्स बोलते हैं ना वो लोग, हम तो क़यामत बोलते हैं, वो कहते हैं एपोक्लिप्स, हमारे पे तो क़यामत पे ख़त्म है ना दुनिया। उनके मुताबिक यानी जो गोरे डायरेक्टर्स हैं वो पोस्ट एपोक्लिप्टिक भी वो इमेजिन करते हैं कि जी वो पोस्ट एपोक्लिप्स के बाद क्या होगा, क्योंकि उनका एपोक्लिप्स हम लोगों से थोड़ा डिफरेंट है, हमारे वाले में तो दुनिया ख़त्म हो जाती है ना उस पर, लेकिन उनके वाले में वो एपोक्लिप्स कहते हैं जी कोई बहुत बड़ा हादसा होगा, कोई जैम्बू जॉम्बी वॉम्बी आ गया, कुछ इस तरह का होगा, या मशीन टेक ओवर कर लेगी, तो वो उसको एपोक्लिप्स कहते हैं, ये काइंड ऑफ वो क़यामत ही होगी। तो फ़ोटो आपने हमेशा उस साइज़ की लगानी है जो आपने जिसको डिस्प्ले करना है। अच्छा जी, गुड यार, ज़बरदस्त। ये आपने खुद बनाया है? उसामा सादिक तो नहीं है? आपने बनाया? गुड यार, अच्छा है आपका हाथ भी HTML पे। हुसैन सलीम, हसनैन सलीम, वाह यार गुड, ज़बरदस्त। कौन है? आप हैं? ज़बरदस्त यार। ये टेम्पलेट है? अच्छा, कोई मसला नहीं है, टेम्पलेट भी देखें लग तो अच्छा रहा है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा ना यही टेम्पलेट पे जो बना हुआ है एग्जैक्टली इसको आप ना अपने हाथ से बना के देखें HTML में, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपका हाथ सेट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये UI में ना, क्योंकि आमतौर पर अगर आप टेम्पलेट शुरू में यूज़ करते हैं ना तो होता ही है कि अब जैसे यहाँ पे देखो तो चार बॉक्सेस आ रहे हैं है ना, 50, 100, 24। अब इसमें अगर एक पाँचवा बॉक्स ऐड करना पड़ जाए समहाउ, या एक बॉक्स माइनस करना पड़ जाए, तो काफ़ी सम टाइम ना प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। तो इस वजह से ना क्या कहते हैं, आपको हाथ से भी आना चाहिए। यार तुम लोगों ने दो दो दफ़ा भेजी हुई है एक एक ऐप। अच्छा, ये किसने भेजा है भाई? ये फाइल, ये वाला, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये फाइल मशीन का वो भेज दिया आपने। अब्दुल बासित, गुड यार, ये आपकी इसलिए नहीं वेबसाइट चल रही कि आपने जो ये HTML का जो पेज है ना आपका, इसका नाम एग्जैक्टली आपको रखना है index.html, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। दूसरा प्रॉब्लम आपने ये किया है कि ये जो दो फोल्डर बने हुए हैं ना आपके, ये किसमें क्या है फोल्डर में? अच्छा, ये जो फोल्डर है ना आपका माई फर्स्ट रेपो, आप देखो यहाँ पे ओपन नहीं होगा। ये फोल्डर इस वजह से बनता है कि आपने ना ये फोल्डर कोई दूसरी रिपोजिटरी है, सही है, ये कोई दूसरी रिपोजिटरी है जो आपने अपने इस रिपोजिटरी के बीच में ला के रख दी है, तो वो उस रिपॉजिटरी को वो कहता है कि ये कहीं और पे है, ये इसका बस नाम यहाँ पे शो हो रहा होता है, वो कहता है ये एक्चुअल में रिपॉजिटरी ये कहीं और है, तो वो इधर पुश नहीं हुआ। तो आप उस रिपॉजिटरी को उसमें से हटाएंगे, इस फोल्डर को भी हटाएंगे, ये तो
अच्छा, ये एक ही आपने रिपोजिटरी 3 दफ़ा शायद क्लोन कर दी है। वेल, तो इसको आपने बता दिया मैंने प्रॉब्लम, इसको आपने ठीक करना है। अच्छा, गुड यार। हाँ भाई, कितनी पुरानी तस्वीर लगाई है तुमने यार। वैसे अच्छा, सी वी भी जब की है। सही है यार, खूब ज़बरदस्त। हाँ भाई, ईस्ट पार्क हलीम, इसमें होस्टिंग वाला लिंक किधर है? रह गया वो। इसको देखो, रिज्यूमे डॉट एच टी एम एल को तुमने करना है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जब वो फिर काम करेगा, ठीक है? और वो सेटिंग में जाके, और जी एच पेजेस है वो पूछ लेना अपने दोस्तों से जो क्लास में आपके दोस्त मौजूद हैं। जी नहीं, जो पहली फाइल है आपकी उसका नाम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होना ज़रूरी है, बाकी की जो फाइल है उसका तो नाम ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी रख सकते हैं। बाकी मैं आपका सवाल नहीं समझा, दोबारा पूछना। ठीक है, एक वेब 1.0 से ना ओपन कर दी। ठीक है, जब मैं अपना क्या कहते हैं इसके साथ बैकएंड को भी डेटाबेस को भी कनेक्ट किया, थोड़ी सी एक दो फाइल मजीद बनाई, उन सबको इसी रिपो में एक ही फोल्डर में डालकर जब मैं लिंक करूंगा तो सारी फाइल्स को कंबाइन करके निकल जाएगा। बच्चा ना है सर, मरी बन जाएगा। इस तरफ मसला तो नहीं है यार, जब हम इस पर डेटाबेस लगाएंगे ना, आप इनका सवाल ये है कि अभी तो ये एक सिंपल पेज है, जब इस पर हम डेटाबेस लगाएंगे तो फिर वो कैसे लगेगा? तो वो जब लगाएंगे तो पता चल जाएगा कैसे लगेगा। एक्चुअल में वो ये फ्रंट एंड तो इसी तरह रहेगा, ठीक है? यहाँ से जब कोई आप वेबसाइट पे जब कोई बटन क्लिक करते हैं तो रिक्वेस्ट एक जाती है सर्वर पे, वो सर्वर आपका किसी और जगह होस्ट होता है, वो यहाँ नहीं होता, ठीक है? ये जो ये देता है जस्ट स्टैटिक होस्टिंग, गिटहब है ना, गिटहब पेजेस है, वो स्टैटिक होस्टिंग प्रोवाइड करता है आपको। तो वो सर्वर आपका कहीं और होस्ट होगा, क्योंकि वो नॉट जे एस पे हम लिखेंगे तो वो किसी कंप्यूटर पे वो होस्ट होगा, या सर्वर लगाना चाहे, डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहे, तो नहीं हो सकता, ये स्टैटिक होस्टिंग लेता है। नहीं, इसमें स्टैटिक वेबसाइट में डेटाबेस अभी फिलहाल नहीं हो सकता, ठीक है? ये स्टैटिक वेबसाइट जो है किसी ना किसी सर्वर से बात करेगी, जब ही डेटाबेस कनेक्ट हो सकता है। अच्छा, कुछ डेटाबेसेस अब ऐसे आ गए हैं जो डायरेक्ट फ्रंट एंड से चलते हैं, जैसा कि फायरबेस है, लेकिन यार फायरबेस जो है ना, उस फायरबेस या उस तरह के और जो डेटाबेसेस हैं वो पब्लिक डेटाबेस के तौर पर तो सही चलते हैं, लेकिन उसको अगर प्राइवेट डेटाबेस बनाना हो ना आपने, तो उसमें बड़े मसले हैं। और ख़ास तौर पर फायरबेस बड़ा फेमस है, लेकिन फायरबेस में ना डिज़ाइन लेवल के कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसमें, ठीक है? जिसकी वजह से मुझे तो वो पसंद नहीं आता, ना मैं किसी क्लाइंट को रेकमेंड करता हूँ। इवन हमारे वो वेब डेवलपमेंट के कोर्स में भी शामिल है ना फायरबेस, तो मैं उनसे भी हमेशा ये कहता हूँ जब भी मीटिंग होती है ना, कि यार इसको हटा दें। लेकिन वो अभी तक इसलिए मौजूद है क्योंकि वो सीखने में थोड़ा आसान है, 2 क्लासेस में वो सीख जाता है बंदा, तो वो इस वजह से है वेब में। अदरवाइज़ वो कोई मतलब ढंग का, वो बाई डिज़ाइन उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जो डायरेक्ट फ्रंट एंड से जो भी चीज़ चलती है ना, यानी जितने भी डेटाबेसेस हैं जो डायरेक्ट फ्रंट एंड से चलते हैं, अगर तो आपने पब्लिक रखना है, उसको पब्लिक डेटाबेस बनाना है, तब तो वो कोई इशू नहीं है। तो जैसे वो रिव्यू वगैरह डालने के लिए लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अगर, तो वो तो सही है, वो तो पब्लिक होता है डेटाबेस, कि आपने रिव्यू लिखा, एंटर किया, वो डिस्प्ले हो गया, कोई भी आके लिख सकता है, लॉगिन हो या ना हो, कुछ भी हो। लेकिन वंस वो लॉगिन होने के बाद वाली चीज़ है, वो फिर आपको स्पूफिंग से बचना होता है कि जी वो किसी और के नाम से कोई और पोस्ट ना कर दे। तो हाँ, पहुँच जाएगा। ठीक है, जो ऐसी वेबसाइट है वहाँ से हम जो काम करके लिंक कहीं भी दे देते हो एक्सेस। असल में मेरे एक फ्रेंड ने ना अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी गिटहब पर, ठीक है, गिटहब से उसको
ठीक है। तो मैं उनकी वेबसाइट देख रहा था, उन्हें ईमेल करना चाह रहा था, अच्छा वेबसाइट को देख के वहीं मुझे उसका फीडबैक देना चाह रहा था। ठीक है। मैंने कहा तुमने डेटाबेस क्यों नहीं कनेक्ट किया, तो इसका जवाब मुझे अभी मिला। उसने कहा नहीं यार दिल नहीं कर रहा था, ये वो बात इधर उधर करी दिल नहीं कर रहा था। ये बोल देता सीधा सीधा यार वो प्रोवाइड ही नहीं करते। हाँ नहीं, गेटहब पे तो स्टैटिक होस्टिंग होती है, ये डेटाबेस नहीं इसमें लगता आमतौर पे। तो मैं भी क्या बोलने लगा था आपके सवाल के जवाब में ही, वो मैं भूल गया। वेल तो भाई पॉइंट ये है कि हम फायरबेस नहीं पढ़ने वाले इस क्लास में, हम पढ़ेंगे मोंगोडीबी जो प्रॉपर सर्वर के साथ चलता है। वो आजकल मार्केट में ना एक आवाम है वो उसको कह रहे हैं ये जैम स्टैक, तो वो कहते हैं जी हर चीज़ आपकी ना फ्रंट एंड से डायरेक्ट चलनी चाहिए। तो वो थोड़ा सा उनकी जो आइडियोलॉजी है ना या उनका जो डिज़ाइन थिंकिंग है वो मेरे तो समझ में नहीं आता कि यार वो क्या सोच के ये कर रहे हैं। तो बाकी ये कि फायरबेस वगैरह के जो तरह के डेटाबेस है ना उसमें सिक्योरिटी के लिए ना उसमें सिक्योरिटी रूल्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो इनका जो वो इनिशियल आइडिया जो था ना, इनका इनिशियल जो आइडिया था फायरबेस और उसके जैसे जो दूसरे डेटाबेसेस हैं, ये मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, इसके अलावा भी कई और प्रॉब्लम है उसमें, कि वो उनका आइडिया ये था कि जी सर्वर नहीं होगा बीच में ना, सर्वर लेस होगा। ये आवाज़ कहाँ से आई किसी का फोन? नहीं, असल में ये ऐसे करने से ना ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। असल में इसको रखते तो यूँ ही है, यूँ नहीं रखते, ये दोनों साइड की आवाज़ें पकड़ता है। वेल इसमें वो ऑन ऑफ भी होता है लेफ्ट और राइट वाला। वेल तो इनका इनिशियल आइडिया ये था ना कि भाई फायरबेस फ्रंट एंड से डायरेक्ट कनेक्ट होगी और सर्वर बीच में से माइनस कर देंगे, जिसको कहते हैं हम सर्वर लेस, ठीक है। वैसे तो सर्वर लेस एक दूसरा फ्रेमवर्क है, वो कुछ और ही करता है काम, लेकिन इसको भी ये कह रहे थे कि जी अब सर्वर नहीं होगा, हम डायरेक्ट, हमारा टाइम बचेगा। अब वो टाइम क्या बचेगा, वो सिक्योरिटी रूल लिखने पड़ते हैं, वो टाइम फिर उतना ही लग जाता है निकाल के, फिर उसमें जो दूसरे मसले हैं वो अलग हैं। तो वो जो टाइम बचाने का इनका इनिशियल आइडिया था ना वो फेलियर है, ठीक है। दूसरा फिर वो सिक्योरिटी रूल, आप जब तक इनका अपना ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं करेंगे आप सिक्योरिटी रूल लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो मजबूरन फिर आपको फिर उनका सिक्योरिटी रूल भी यूज़ करना पड़ता है, फिर वो ऐसा क्लोज सोर्स है। फिर मोंगोडीबी है ना डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है कि जी वो नो सीक्वल है, स्टैंडर्ड नो सीक्वल डेटाबेस है। और एक है MySQL वगैरह या SQL सर्वर वगैरह, वो स्टैंडर्ड SQL डेटाबेस है। अब ये जो इन्होंने बनाया ना फायरबेस और ये इस तरह के और भी दो चार जो ये जैम स्टैक वाले रेकमेंड करते हैं, अब वो पता नहीं उन्होंने कौन सा डिज़ाइन इस्तेमाल किया, वो ना वो डॉक्यूमेंट बेस है ना वो सीक्वल है, वो कोई दरमियान की कोई चीज़ है। क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो डॉक्यूमेंट बेस में नहीं करते आमतौर पर, डिज़ाइन में उसके शामिल नहीं है वो। वेल तो भाई बहुत सारे मसले मसाइल हैं, तो कोई भी मतलब ये मैंने बात इसलिए कर दी कि आमतौर पर ना लोग बड़ा वो फैसिनेट होते हैं उससे, जिनको आता वाता कुछ भी नहीं है ना, वो आपसे पूछेंगे अरे यार आप फायर बेस नहीं पढ़ रहे, वो तो डायरेक्ट चलता है, ये तो सर्वर वर्वर तो पुराना आइटम हो गया। तो भाई हो तो गया पुराना आइटम, लेकिन वो कर क्या रहा है, वो ये भी तो देखें आप, उसमें बड़ी ऐप्स बनी नहीं सकती फायरबेस में अपने डॉक्यूमेंट में ना, क्योंकि लोग ज़ाहिर है कंप्लेन तो करते हैं ना कि यार इसमें ये मसला आ रहा है, उसमें वो कनेक्शन वगैरह बनाने में बड़ा इशू होता है। जब बड़ा डेटाबेस क्वेरी नहीं लगा सकते आप उसमें, फायरबेस में क्वेरी लगाने में लिमिटेशन हैं बकायदा, नहीं लगा सकते आप क्वेरीज। तो लोग कंप्लेन तो करते हैं कि यार ये आपके डेटाबेस में आपने क्या बनाया, और दूसरी बार बनाया उन्होंने ये, एक पहले बनाया था वो डेटाबेस, वो किसी से दो चार बच्चे थे उन्होंने बनाया था ये फायरबेस, उससे ख़रीदा था गूगल ने। अब वो ख़रीद के ना फिर उसको उन्होंने टेप लगाया लगाया टेप, वो फिर हुआ नहीं, तो इन्होंने फ्रॉम स्क्रैच दोबारा बनाया फायर स्टोर के नाम से, लेकिन उसमें भी वही मसले हैं। गूगल के हाथ में ना, अभी गूगल ने एक्वायर कर लिया था ना इसको 2013-14 में किया। हाँ ये सारा यूनिवर्सिटी के ही प्रोजेक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के ही बच्चे हैं ये सारा बनाते हैं, ये फिर बाद में बड़ी कंपनीज इनको एक्वायर कर लेती हैं। गिटहब भी किसी स्टूडेंट ने बनाया था, ये जो रिएक्ट का जो सॉरी एंगुलर का जो फ्रेमवर्क है ये किसी बंदे ने बनाया था, वो एम्प्लॉय था गूगल का, साइड में शाम को आके बनाता था। तो ये ज़्यादातर प्रोजेक्ट ना ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स के होते हैं, जैसे डायलॉग फ्लो एक फ्रेमवर्क जो हम पढ़ेंगे अभी इंशाल्लाह, तो वो भी किसी स्टूडेंट्स ने बनाया था, तीन चार लड़के थे वो, फिर बाद में उसको गूगल ने एक्वायर कर लिया। तो वो दूसरी बार भी जब इन्होंने बनाया ना फायर स्टोर, तो उसमें भी प्रॉब्लम है, तो लोग कंप्लेन करते होंगे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में ना एक जगह छोटा सा लिख दिया कि भाई ये दिस डेटाबेस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर लार्ज ऐप्स, लार्ज स्केल ऐप्स के लिए उन्होंने खुद मना कर दिया कि भाई ये नहीं चलेगा, ये सिर्फ स्मॉल ऐप्स के लिए बनेगा। तो अब ज़्यादातर जो ऐप्स हैं उसमें आपको फायरबेस इस सूरत में देखने को मिलता है
कि जी वो रियल टाइम की जो छोटी मोटी चीज़ है ना, जैसे नोटिफिकेशन वगैरह, वो फायरबेस पे चला रहे होते हैं, बाकी जो स्टैंडर्ड डेटाबेस कोई सीक्वल या मोंगोडीबी चला रहे होते हैं। तो ये एक है उसके अंदर प्रॉब्लम। अच्छा ये क्या बनाया भाई? अरे पैरालेक्स बनाया है। अच्छा सिलेक्शन ग्रीन से होगी, गुड यार क्या बात। ये सारा आता है तुम्हें? फायरबेस भी आता है तुम्हें? अभी तो मैंने फायरबेस की इतनी बुराई की है फिर भी आता है। अच्छा 90% है, चलो सही है। मोंगोडीबी भी आता है ना साथ, फिर सही है। अच्छा ये गवर्नर वाली वेबसाइट भी तुम्हें बनाई है ना? मुझे जब तुमने भेजा था उस वक्त मुझे आइडिया नहीं हुआ, मुझे बाद में किसी ने बताया। अच्छा शहजाद का इंट्रोडक्शन मैं ज़रा करवा दूँ। शहजाद मेरा एक पुराना स्टूडेंट है वेब डेवलपमेंट, इसने मुझसे पढ़ी थी आज से 2 साल पहले, एक साल पहले। और आजकल अच्छी जॉब चल रही है माशाल्लाह शहजाद भाई की। और ये रिएक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें शहजाद को आती हैं। और इनका जो इंटरेस्ट है वो वेब डेवलपमेंट के बाद चैट बॉट में हुआ, क्योंकि आपको पता है चैट जीपीटी वगैरह और ये सारी चीज़ें जो कल की हमारी डिस्कशन है उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो है ना ये किधर जा रहा है। तो ऑब्वियसली वो क्योंकि शहजाद इंटरनेट को बड़ा फॉलो कर रहे हैं सब लोगों को, तो वो उनको आइडिया है कि क्या हो रहा है। अच्छा एक बात मैं और आज बताऊँ आपको, जो उसी दिन हुई थी डेवलपमेंट, लेकिन वो मैं इतना इसमें विजन प्रो में इतना खो गया था ना कि मैंने कोई और चीज़ देखी नहीं उनके इवेंट में। उन्होंने एक काम ये किया है कि सीरी जो है ना इनका, उसमें से हे सीरी को हटा दिया है, अब सिर्फ सीरी बोलना होता है। अब जैसे मैं बोलूँगा ना सीरी, बाहर को निकालूँ इसको, सीरी को ज़रा मार्केट में तो लाऊँगा। सीरी हाउ आर यू डूइंग? नॉट टू शैबी, थैंक्स फॉर आस्किंग। सीरी व्हाट टाइम इज इट? इट्स 9:59 AM. What's the weather? Siri. Siri. What's the weather? It's currently clear and 32 degrees. अच्छा अभी तो ज़रा ये माइक है ना साथ में, तो ये माइक में ना सही चलता नहीं है, ये शुरू से मैंने नोट किया है। जब भी मैं किसी इवेंट में निकालता ना तो ये माइक की आवाज़ को शायद वो समझता है कि टीवी से आ रही है, तो माइक की आवाज़ को ना थोड़ा देर में पकड़ता है ये। अदरवाइज़ ये बड़ा स्मूथ चलता है ना सीरी इनका, सीरी तो सुन ही लेता है। अच्छा मैं असल में उसी दिन रात को ना, जिस दिन वो मैं विजन प्रो की यहाँ पे डिस्कशन करके गया, तो रात को मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, वो iOS का ही डेवलपर है, तो उससे मैं ये डिस्कस कर रहा था कि जी वो मेरा तो ये व्यू है कि इसमें ये विजन प्रो में इन फ्यूचर वो ये ख़त्म कर देंगे। और वो तो उनका एक अपना स्टांस है कि जी वो उन्होंने कहा नहीं यार वो टोटली वॉइस पे तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर चार लोग एक साथ बैठे हैं और चार लोग एक साथ वॉइस पे कर रहे हैं तो वो हमारी एक बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। तो मैंने उसमें ये कहा यानी बाद में कि यार ये ना उस विजन प्रो के अंदर ना जो सीरी होगा ना वो उसमें से ये हे सीरी को टोटली ख़त्म कर देंगे। आप डायरेक्ट बोलेंगे कि यार म्यूट तो चलती हुई वीडियो म्यूट हो जाएगी, या आप डायरेक्ट बोलेंगे कि यार वॉल्यूम अप तो वो वॉल्यूम अप कर देंगे बगैर सीरी का वर्ड यूज़। क्योंकि अभी तो जितने भी ये गूगल अलेक्सा और सीरी ये तीनों के अंदर एक ही बकवास है। और जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं ना जिनके लिए मैंने गूगल एक्शन की एप्स बनाई है गूगल असिस्टेंट की, उन सब ने मुझे एक बात बोली है कॉमन। जैसे एक था बिलाल, बिलाल के नाम से ऐप थी, वो क्या था कि जी आप बोलते थे कि जी बिलाल रीड सूरह फातिहा 3 times, वो बच्चों को दुआ वगैरह याद कराने के लिए, तो वो सूरह फातिहा 3 times पढ़ता था पूरा, और वो इस तरह चलता था। वो कहता था यार कि भाई मेरे को ना ये हे गूगल हटाओ बीच में से। वो कहता था मैं पहले बोलूँ कि हे गूगल टॉक टू बिलाल, और फिर मैं बिलाल को बोलूँ कि जो है ना सूरह चलाओ। वो कहता था मैं डायरेक्ट बोलूँ कि हे बिलाल रीड सूरह फातिहा 3 times, मुझे ये चाहिए। अब मैंने बोला यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उन्होंने SDK में ये रखा ही नहीं है कि इसको मैं स्किप कर सकूँ, वो तो उसी तरह चलता है। तो फाइनली फिर क्या हुआ, वो कस्टम डिवाइस की तरफ मूव हो गया। और यही वजह है कि शुरू में आप मेरा अगर
कुछ अर्से पहले का स्क्रॉल करेंगे ना, तो मैं IoT वगैरह में इन्वॉल्व हो गया था इसी चक्कर से कि जो है ना, वो जो भी आता था वो कहता था यार ये है गूगल क्या है, या वो है अलेक्सा क्या है, तो ये नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए डायरेक्ट बोले। तो वो कस्टम डिवाइस में फिर वो अलेक्सा की एक सर्विस है AVS करके, तो वो लगा के होता है ये काम। तो इस चक्कर में मैं IoT में इन्वॉल्व हो गया था, लेकिन वो फिर बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये मैं गलत रास्ते पे आ गया, क्योंकि वो IoT ना प्योरली है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। अब मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स तो है नहीं अच्छी, और हाथ से कभी कोई बोर्ड वोर्ड बनाया नहीं है, सर्किट कोई हाथ से जब तक आपने नहीं बनाया हो ना, तो IoT पे मतलब फजूल है फिर। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन इज़ अनदर थिंग। IoT और ब्लॉकचेन शायद मिला के कुछ लोग कोर्स करवाते हैं, तो इसलिए आपको एक लग रहा है। तो वो IoT में जो है ना, जो वो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। तो फिर दूसरा ये कि वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता नज़र आया कि ये डेवलपमेंट होगी, ये चीज़ें मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यार वो तो सीरी तो उन्होंने ख़त्म कर दिया है, अब सिर्फ सीरी बोलना होता है। तो मैंने रात को ना इसको अपडेट किया, जो नया वाला इनका OS है ना, वो अभी बीटा में है, वो रिलीज़ नहीं हुआ अभी, iOS 17। तो उस पर मैंने फ़ौरन रात को आज अपडेट किया, और सुबह सुबह ये अपडेट कंप्लीट हुई, और ये मैंने इसको फ़ौरन चेक किया। मैंने कहा यार कर तो दिया इन्होंने। तो अब मेरा ये ख्याल है कि विजन प्रो के अंदर, और इवन फ़ोन के अंदर भी ये ना हे सीरी ख़त्म हो जाएगा। ये क्या कर दिया मैंने इसके साथ, अच्छा ये ऐसे ही रहेगा वरना ये उलट जाएगा। अच्छा देखो, एकदम कम हो गई ना मेरी आवाज़ की इंटेंसिटी। ये इसको खड़ा यूँ रखते हैं, यूँ रखने वाला माइक है, इसको कुछ करेंगे, इसका अच्छा स्टैंड अरेंज करेंगे ऐसे। तो क्या कह रहा था यार मैं, हाँ फ़ोन में भी ना ये। अच्छा एक चीज़ और इसमें आप नोट करने वाली बात है कि जितनी भी डिवाइसेज है ना अलेक्सा की और गूगल असिस्टेंट की, ये बंदा पहचानती हैं। इन्होंने अब इतना तो ये अचीव कर लिया कि ये बंदा पहचान जाती है। तो अगर मैं बोलूँगा ना इसको हे सीरी, जब ही ये जागेगा, वरना नहीं जागेगा। अगर आप बोलेंगे ना, जितनी दफ़ा भी बोल रहे हैं आप, इसको नहीं ये सुनेगा ही नहीं आपकी बात। और इवन दो अगर आपने बटन दबा के भी सीरी को एक्टिवेट किया ना, और आपने इसको कोई बात बोली ऐसी, तो ये कहेगा यार अनलॉक योर आईफोन। ये कहेगा भाई अनलॉक करो, फिर होगा, वैसे नहीं होगा। ये टाइम पूछ लिया वो तो बता देगा, लेकिन कोई सेंसिटिव चीज़ की ना, आपने कहा कॉल मिलाओ, तो वो नहीं मिलाएगा। ये इतने तो इंटेलिजेंट हैं। इवन गूगल असिस्टेंट मेरे घर पर, तो उसमें मेरा भी अकाउंट लगा हुआ है और मेरी वाइफ का भी लगा हुआ है। तो जब वो बात करती है ना, तो उसके अकाउंट से चीज़ें बताता है, जब मैं बात करता हूँ तो मेरे अकाउंट से। तो जो मैंने जो AC का थर्मोस्टैट उधर कॉन्फ़िगर किया हुआ ना, वो मैंने अपने अकाउंट से किया हुआ है। तो जब मैं बोलता हूँ, जब ही ऑन ऑफ होता है, जब वो बोलती है ना, वो कहती है भाई ये तो सेटअप नहीं हुआ हुआ, AC नहीं है आपके घर में। तो इसको इतने तो ये डिवाइस हो गए हैं समझदार, कि इनको ना ये पता है कि बंदा कौन बात कर रहा है। आवाज़, वॉइस ऑथेंटिकेशन, AWS का एक फ्रेमवर्क भी है वॉइस ऑथेंटिकेशन का, कि आप उसको पहले से ना एक वॉइस भेजते हैं और एक यूज़र रजिस्टर कर देते हैं कि जी ये बंदा जो है ना आमिर है, ये जो आवाज़ है ये आमिर है। अब वो जब अगली दफ़ा जब आप उसको कोई दूसरा ऑडियो भेजेंगे ना, तो वो मैच करके बता देता है कि ये बंदा कौन है आपके डेटाबेस में से ना, वॉइस ऑथेंटिकेशन है। अब वो बीटा में ही था, अभी तक वो बीटा में ही है, उसको अभी तक उन्होंने फाइनलाइज़ नहीं किया, लेकिन वो चलता सही है। जो जिन लोगों ने यूज़ किया है उनसे मैंने ये सुना है कि वो चलता सही है, लेकिन ये कि उसको मेन ऑथेंटिकेशन के तौर पर अभी तक किसी ने यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो बीटा में है। उसमें क्या होता है कि जी ईमेल पासवर्ड डाल दिया आपने, एज अ 2-फैक्टर उसको बहुत सारी वेबसाइट पे लगा रहे हैं लोग आजकल ना, कि भाई वो ईमेल पासवर्ड तो डाल दिया, उसके बाद वो देता है एक सेंटेंस, वो कहता है जी रिकॉर्ड का बटन दबाएं, ये सेंटेंस बोलें आप और स्टॉप करें। वो जैसे ही स्टॉप होता है, वो पूरा ऑडियो भेजता है AWS पे, वहाँ से वो बता देता है हाँ यार ये यूज़र ये वाला है। तो वो 2-फैक्टर के तौर पर चल रहा है, तो उसमें 50% भी अगर आ जाती है एक्यूरेसी, तो वो जाने देता है, क्योंकि ईमेल पासवर्ड पीछे लगा चुका है बंदा। नहीं असल में वो तो उन्होंने वही है ना, थोड़ा डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया है उन्होंने उसमें, कि जी वो डिस्टोपिया भी तो हो सकता है ना इसमें, अगर इस तरह के कंट्रोल्स आपके पास होंगे तो डिस्टोपिया होने का पूरा चांस है। मगर आम तौर पे ना रियल लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में आप जैसे आप देखें गाड़ियों में ना, वो होता है रिमोट वाला, कि मतलब अभी जो जितनी भी नई आ रही हैं सब में ऑलमोस्ट ये फीचर है कि आपके जेब में अगर गाड़ी की चाबी पड़ी भी है ना, तो आप जब गाड़ी के पास जाके दरवाज़ा खोलेंगे तो खुल जाता है खुद ही वो, मतलब बटन वटन नहीं दबाना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। हाँ इवन ये जो GLI वगैरह है ना, इनमें भी शायद है ये वाला, नहीं GLI में तो नहीं होगा आई थिंक,
सिटी विटी में होगा, सिविक में, जो नई वाली सिविक है उसमें होगा ये। जो जापनीज़ गाड़ी है उनमें तो सब में है, जो प्रियस व्रियस है ना जापनीज़ वर्जन जो है इनका, उनमें तो है। तो उसमें आप जब गाड़ी के करीब जाते हैं ना तो आपकी जेब में बस चाबी होनी चाहिए, तो आप खोलते हैं खुद ही खुल जाता है। कुछ में फिंगरप्रिंट भी होता है कि जी आप वो फिंगर लगा के खोलते हैं तो फिंगरप्रिंट से रिकग्नाइज़ कर लेता है वो। फिर आप जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो पुश स्टार्ट होती हैं गाड़ियाँ आजकल, तो पुश स्टार्ट में ना आपको चाबी वाबी कहीं नहीं लगानी पड़ती, कुछ भी नहीं, बस चाबी आपकी जेब में होनी चाहिए। चाबी आपकी जेब में है, आप पुश का बटन दबाएंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप नहीं, बस गाड़ी के अंदर होगी चाबी जब ही स्टार्ट होगा, गाड़ी के गेट से बाहर आ गया फिर नहीं स्टार्ट होती। हाँ नहीं, गाड़ी में एंड्रॉयड ऑटो है ना, एंड्रॉयड ऑटो में गूगल असिस्टेंट चलता है, हे गूगल बोलेंगे चलेगा। अभी उसकी ऐप्स हम बनाएंगे ना इंशाल्लाह, इसी क्लास में बनाएंगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। गूगल असिस्टेंट अगर किसी ने नहीं सुना तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में होम का बटन थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो नीचे से वो जाग जाएगा असिस्टेंट जी। और उसका वो होम डिवाइस भी आजकल आ गई है। इसी तरह अलेक्सा जो है वो फ़ोन में ऐप के तौर पर इंस्टॉल होता है और उसकी भी होम डिवाइस भी होती है। हाँ, वो AI असिस्टेंट ना, वो उसमें AI असिस्टेंट है, वो डिफरेंट ऐप्स होती हैं उसके अंदर। आप उस पर बोलो टॉक टू BBC तो वो आपसे बात करेगा, वो वॉइस एप्लीकेशन है टोटल। आप वो उसमें BBC की और डिफरेंट ऐप्स हैं, उसका स्टोर है पूरा बकायदा, उसको कहते हैं एक्शन स्टोर। तो आप एक्शन स्टोर पर जाएंगे, उसकी बहुत सारी ऐप्स हैं, वो आप ट्राई करें डिफरेंट, तो आपको आइडिया होगा कि वो क्या चीज़ है। वेल, अब वो आउट ऑफ डेट हो रहा है। जो गूगल असिस्टेंट है ना, ये ChatGPT के आने के बाद वो थोड़ा सा उसकी मार्केट जो है ना शैलो होती जा रही है। वेल, उन्होंने लेकिन पता नहीं कितनी 500 मिलियन डिवाइसेस तो सेल कर दी हैं, तो वो तो मार्केट में है, सर्कुलेट हो रही है, तो देखते हैं अभी क्या होता है फ्यूचर। वेल, तो ये मैं बता रहा था कि ये जो आप ये तो लग रहा है ना देखने में कि ये वो चाबी आपसे अगर गिर गई अगर तो आप तो गए, ठीक है। या मिसाल के तौर पर वो चाबी आपकी पानी में डूब गई अगर, वैसे तो वो वाटर प्रूफ होती है, लेकिन अगर वो पानी वानी चला गया उसमें या वो टूट गई अगर समहाउ, तो क्या हो रहा है थोड़ा कम कर देता हूँ। हेलो 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 बेटर है। अच्छा, तो अब वो लग रहा है कि भाई वो तो अगर चाबी टूट गई मेरी तो फिर मेरा तो काम हो गया। लेकिन इस तरह की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें वो जो बॉक्स होता है ना चाबी का, उसके साथ एक फ़िज़िकल चाबी भी लगी हुई होती है। वो पिन विन मार के उसको निकालने का ऑप्शन होता है, तो वो फ़िज़िकल चाबी भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके दरवाजे में गाड़ी के ना चाबी घुसाने की जगह नहीं होती, लेकिन उसमें भी ऑप्शन होता है कि वो आप पिन विन मारते हैं ना गाड़ी के दरवाजे पर, तो वो खुल के एक जगह फ़िज़िकल चाबी वाली नज़र आ जाती है। जितनी भी आपको डोर दिखता है ना, गाड़ियों का डोर होता है, उसमें चाबी का ऑप्शन नहीं होता। जितने भी गाड़ी के डोर हैं उसमें चाबी का ऑप्शन छुपा हुआ होता है, अंदर हिडन होता है। तो आप जब कस्टमर सर्विस को आप कॉल करेंगे, जाहिर है इस तरह की कोई सीन होगा आपके साथ, तो आप क्या करेंगे, पहला काम आप गाड़ी का जो हेल्पलाइन है उसको कॉल करेंगे, टोयोटा वालों को या जो भी गाड़ी है आपके पास, तो वो आपको वो गाइड करते हैं कि यार आप ऐसे, आपके पास जेब में सिक्का पड़ा है, आप उसको इधर मारें, सिक्के को उसको आप घुमाएं तो वो निकल के आ जाएगा। फिर अब गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया, अब पुश स्टार्ट, गाड़ी में चाबी लगाने की जगह ही नहीं होती, लेकिन चाबी लगाने की भी जगह उसमें होती है, ठीक है। वो जो जो गियर वाली जो जगह होती है ना, गियर से आगे या पीछे किसी जगह पे एक छोटा सा सुराख होता है, वो कहते हैं जी सुराख में आप चाबी को लगाएं और आप पहला गियर डालें जो जो, या ऑटोमेटिक अगर तो डी पे करें, फिर पी पे करें, डी पे पी पे दो दफ़ा करें तो गाड़ी की बत्तियाँ जला देगा वो। मतलब इस तरह के उन्होंने रखे हुए होते हैं ऑप्शंस। तो ये जितनी भी इंजीनियरिंग है ना, हाँ इंजीनियरिंग जितनी भी है, जो जिसको हम कहते हैं उसमें लेवल्स होते हैं ना कि जी क्रिटिकल, कितना क्रिटिकल है ये इंजीनियरिंग जो है, तो अगर वो मिलिट्री ग्रेड का क्रिटिकल है तो फिर तो उसमें बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और अगर कंज्यूमर लेवल का है बिल्कुल ही, कि जी मिसाल के तौर पर जैसे ही माइक वाइक है, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है इतना, कि बंद हो जाएगा तो क्या, वो दूसरा लग जाएगा, अगर ये माइक बंद होगा तो कोई मरेगा नहीं। और एक होता है दरमियान में कहीं, जैसे गाड़ी वगैरह, कि जी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है अगर, तो वो उसमें हर चीज़ की इंजीनियरिंग में उसकी क्रिटिकल, कितना क्रिटिकल है वो, उस हिसाब से ना
चीज़ों को जहन में रखा जाता है। फिर जैसे अब हमारे यहाँ ना पाकिस्तान स्टैंडर्ड के नाम से एक इदारा है, कोई भी गाड़ी हमारे यहाँ जब नई लॉन्च होती है तो वो इदारा उसको इंस्पेक्ट करता है कि जी इसमें ये सारे फीचर जो जो हैं वो हैं कि नहीं है। इसी तरह आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों पर लिखा होता है CE, ठीक है ना, सर्टिफाइड फॉर यूरोप होता है, ऐसे गोल्स ऐसे सी होता है और ऐसे ही गोल्स एक होता है उसमें बीच में से, उसको सर्टिफाइड फॉर यूरोप कहते हैं। तो अब वो क्या होता है कि जी यूरोप में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जब लॉन्च होती है तो पहले उनको देना पड़ता है, वो उसको टेस्ट करते हैं और वो सर्टिफाई करते हैं, जब भी वो यूरोप में सेल हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो इस तरह के इदारे भी गवर्नमेंट्स ने बनाए हुए हैं, वो इन चीज़ों को देख रही होती है। तो अगर किसी ने अगर पुश स्टार्ट वाली गाड़ी बनाई ना जिसमें वो नहीं रखा उसने कुछ मंजन ही वाला, तो वो अलाउ नहीं करेंगे उसको, वो कहेंगे यार उसको सही करके अलाउ, समझ रहे हो। इसी जो अब इवन मोटरसाइकिल वगैरह को भी वो चेक करते हैं PS, अब वो कितना बेहतर कर रहे हैं काम ये नहीं अल्लाह जाने, पाकिस्तानी आवाम बैठी हुई उधर भी PS में भी, लेकिन भाई वो यूरोप में USA में तो बहुत सही चल रहा है। इवन अभी उन्होंने यूरोप वालों ने कह दिया इनको कि भाई टाइप सी दो आप फ़ोन के अंदर, जो आईफोन ये एप्पल वालों को उन्होंने डिक्टेट कर दिया कि जी आपका जो अगला मॉडल आएगा ना उसमें टाइप सी होना चाहिए, क्योंकि टाइप सी ऐसा यूनिवर्सल है वो नया वाला। तो अब लैपटॉप में भी वही होगा, फ़ोन में भी वही होगा, आपकी जो दूसरी स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह सब में एक होगा, टाइप सी होगा। ये चलाते थे मोनोपोली, अपनी प्रोडक्ट बेचते थे, 2700 रुपये की केबल है भाई उसकी, जो थंडर बोल्ट की, जो ये खुद बेच रहे हैं, पता नहीं अब तो डॉलर बढ़ा और बढ़ गया होगा, तो कह रहे हैं इतनी महंगी आप केबलें बेच रहे हो, $1 की मिल जाती है बाहर से, तो हमारे यहाँ भी मिल जाती है 300-400 की आराम से मिल जाती है टाइप सी की अच्छी केबल, ये अगर बहुत कोई अच्छी चाहिए तो शायद 2000 की होगी, उससे ज़्यादा की थोड़ी होगी, तो वो भी फिर ब्रेडेड ऐसी होगी कि वो सालों चलेगी। तो वही वो तो डिक्टेट करते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या किया हुआ आपने, आप इसको सही करो। तो इदारे हैं जो इन चीज़ों का ख्याल कर रहे हैं। अच्छा यार अब आपको ना मैं एक टास्क और देता हूँ, जितने लोगों ने तो ये असाइनमेंट सबमिट करा दी अच्छी बात है, अब मुझे पता है 2-4 लोग अभी भी ऐसे हैं इस क्लास में जिन्होंने ये असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया, तो भाई वो इसको बना लें, बेहतर ये कि बना लें, सही है। अच्छा और आज के बाद हम जितने भी असाइनमेंट्स यहाँ पे बनाएंगे, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया था कि वो क्या होना चाहिए, अगर जाहिर है जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे हम सबसे पहले, तो चलती तो HTML के साथ ही है, तो कोई व्यू तो होगा आपके पास सामने, तो उसको GitHub में पुश करना है और उसकी होस्टिंग का लिंक होना चाहिए, जैसा ये होस्टिंग का लिंक बना हुआ है ना ऐसा होना चाहिए। जब तक ये लिंक नहीं होगा वो असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। अच्छा अब एक मैं आपको एक मज़ीद टास्क दे रहा हूँ, मज़ीद आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने क्या करना है अपने कंप्यूटर में ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर डाल के इसकी ना रिकॉर्डिंग करनी है, मिसाल के तौर पर अब जैसे आपने ये CV बनाई है, अब इसमें क्या क्या कुछ मौजूद है उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ना इसको आपने करना है प्रेजेंट। अच्छा और शॉर्ट वीडियो बहुत 10-12 सेकंड की हो, 20 सेकंड की हो, दैट्स इट, उसमें आपको अपनी आवाज़ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने बस ये आप गए मिसाल के तौर पे इसकी GitHub की रिपॉजिटरी पे गए आप और वहाँ से आपने रिकॉर्डिंग शुरू की और वहाँ पे क्लिक किया लिंक पे और इधर आए आप होस्टिंग वाले पे, होस्टिंग वाले पे आके आपने इसको यूँ स्क्रॉल किया एक दफ़ा नीचे तक, ठीक है स्क्रॉल हो गया, अब इसमें जी क्लिकेबल कौन कौन से आइटम हैं, तो बस ये क्लिकेबल आइटम है इस पर आपने क्लिक किया ये खुल गया, ठीक है जी इसको बंद किया बस ये रिकॉर्डिंग हो गई आपकी, दैट्स इट। तो ये आपने ना 8-10 सेकंड की हुई है रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग आपने स्क्रीन की करनी है, उसके बाद आपने क्या करना है इसको अपने लिंक्डइन पे, आप जिसका लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है वो लिंक्डइन का अकाउंट बना ले, इसको अपने लिंक्डइन के अकाउंट पे आपने पोस्ट करना है और आपने उसमें एक लाइन लिखनी है ऊपर कि जी ये ऐप में मैंने क्या बनाया है, डिस्क्राइब करना है, एक तो वीडियो चल रही है उसमें भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, टेक्स्ट में भी लिखा हुआ होना चाहिए कि जी ये वेबसाइट मैंने बनाई है, अपनी CV बनाई है HTML में और उसको GitHub में मैंने होस्ट भी किया है। अच्छा और साथ में ये भी लिख दें कि जी मैं SMIT में पढ़ रहा हूँ, तो अच्छी बात है, ठीक है ये इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप ये लिखना चाहें। अच्छा और SMIT को मैंशन भी कर दें, मुझे भी मैंशन कर दें कि जी ये मैं टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा और क्योंकि मुझे मेंशन करेंगे आप, ये SMIT को मेंशन करेंगे, उससे क्या होता है आपकी पोस्ट की रीच बढ़ जाती है, क्योंकि जो मुझे भी सर्च कर रहा होगा उसमें भी वो पोस्ट आ जाएगी, जो SMIT को बहुत सारे लोग सर्च करते हैं आपको पता है ऑलरेडी एक इसमें सर्च इंजन पे एक सर्टेन लेवल पे मौजूद है ये, तो लोग डेफिनेटली सर्च करते हैं, तो उसमें भी आपका रिजल्ट शो हो रहा होगा तो लोगों को दिखेगा वो। अच्छा तो ये लिख के ना उसके अंदर आपने उसको पोस्ट कर देना है लिंक्डइन के ऊपर अपने। अच्छा अच्छा मुझे मेंशन करेंगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं भी उसको रीशेयर कर दूंगा, मेंशन नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा।
फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो क्लास में ये सबमिशन आपने की है ना यहाँ पे इस तरह, इसमें आप भेजेंगे लिंक्डइन का। अच्छा और एक चीज़ और मैं बताऊँ, वो लिंक्डइन पे जो आप लगाएंगे ना टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ अब किसी किसी बंदे ने वो खोला तो वो वीडियो देखेगा, टेक्स्ट आपका पढ़ लिया उसने, वहीं पे आपके गिटहब का होस्टिंग यूआरएल और गिटहब का यूआरएल, दोनों यूआरएल भी आपने पोस्ट में लगाना है कि जी किसी को वो वीडियो ज़्यादा पसंद आ गई, वो उसको बाकायदा चला के देखना चाह रहा है तो वो होस्टिंग का लिंक क्लिक करे, ठीक है। अच्छा मैं, अगर आप मेरे जाएंगे ना लिंक्डइन पर तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से लोग उसको कर रहे हैं। अच्छा कैसे होगा जी, माई प्रोफाइल और ये आप जाएंगे ना एक्टिविटी में, तो ये मैंने शेयर किया, जो ये देख रहे हो इस तरह से ये बना के लगाया है इन्होंने। अच्छा होस्टिंग का लिंक अलग है और रिपोजिटरी का लिंक अलग है, और ये चल रही है वीडियो, ठीक है। ये पेंट की ऐप बनाई है, एक दूसरी क्लास चल रही है उसमें ये, उसमें उसका स्टूडेंट है, उसने बनाया है, तो ये वीडियो चल रही है, मुझे दिख गया ऐसा होता है। अच्छा मुझे बाकायदा चला के देखना है, मैं यहाँ पे होस्टिंग के लिंक पे क्लिक करूँगा, ये खुल जाएगा, ठीक है, ये खुल गया, चला के देख रहा हूँ मैं इसको। अच्छा तो ये जो पोस्ट है ना, इस तरह की पोस्ट ये आप करेंगे तभी आपका असाइनमेंट क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा अब क्यों ये क्यों करना है, सवाल है ना यार, कि ये लिंक्डइन पे पोस्ट करने, क्या मतलब, मैं सवाल नहीं समझा तुम्हारा। जो होस्टिंग जो वीडियो हम पहले लिंक पर डालेंगे, हाँ, फिर उसी के लिंक को उस पे करेंगे ना पोस्ट। नहीं जब तुम देखो वीडियो अपलोड करोगे तो वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट लिखने का भी तो ऑप्शन आता है ना। अब जैसे देखो ये बिलाल जफर करके स्टूडेंट है, अब इन्होंने ये पोस्ट जो बनाई है ना उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और साथ में ये मेंशन हुए हैं बहुत सारे लोग, लिंक भी लगा हुआ है इस टेक्स्ट में और वीडियो भी है साथ में। जब भी आप लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं ना तो आपके पास जब नई पोस्ट बनाते हैं आप तो फोटो लगाते हैं तो साथ में टेक्स्ट लिखते हैं, वीडियो भी लगाते हैं तो साथ में टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आता है, तो ये आपने टेक्स्ट लिखना है, सही है, समझ आ गया। अच्छा तो ये आपने ज़रूर करना है जब भी आपका असाइनमेंट सबमिट होगा, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं होगा वो। अच्छा अब ये क्यों करना है, लिंक्डइन से क्या ताल्लुक है भाई। अच्छा लिंक्डइन से भाई बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि लिंक्डइन इस वक्त बन चुका है पूरी दुनिया में, साफ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में इस वक्त HR का ना हब बन गया है, ग्लोबल हब। अच्छा हमारे यहाँ तो रिवाज नहीं है ये वाला, ठीक है, लेकिन अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, इन जगहों पे ना एक रिवाज होता है कि ये एक दुकान होती है हर इलाके में ना, हर जैसे बहादुराबाद है, बहादुराबाद में कोई एक दुकान होगी, वो क्या होगी जी, वो HR की दुकान होती है। अब वहाँ पे आप जाते हैं, यहाँ से भी जो लोग पढ़ने वढ़ने जाते हैं या जो नौकरी की तलाश में जाते हैं तो ये उन्हीं दुकानों में जाके अपनी CV वगैरह डाल के आते हैं। अच्छा वो दुकान वाला क्या करता है कि जैसे रियल एस्टेट हमारे यहाँ बैठे ना जगह जगह, इस तरह होती है दुकान, HR की दुकान होती है, वहाँ आप जाते हैं, वहाँ पे अपनी CV देते हैं आप, और वो आपको बिठा के ना वहीं पे इंटरव्यू भी कर लेता है आपका, और अपने पास एक डेटाबेस मेंटेन कर लेता है कि अच्छा जी आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। अच्छा उसका काम क्या होता है कि आपकी वो जॉब लगवाएगा कहीं। अच्छा वो कैसे जॉब लगवाता है यार, ये इसी में से आ रही है आवाज़, इसको मैं साइलेंट करता हूँ, साइलेंट हो गया। उसके वो कैसे लगवाएगा जॉब, कंपनीज उसके पास आती हैं, मिसाल के तौर पे कोई नया मैकडोनल्ड का स्टोर खुल रहा है, अब उसको चाहिए 17 एम्प्लॉयज़ जिसमें से 4 सिक्योरिटी गार्ड, अच्छा और एक मैनेजर चाहिए जो वहाँ पे मैनेजमेंट पूरी देखे, हेड हो, और बाकी चाहिए वो स्टाफ चाहिए वो जो आपको बर्गर वगैरह बना के देता है, ठीक है। अच्छा कुक उसके पास पहले से मौजूद है, सिर्फ वो कस्टमर फेसिंग उसको बंदा चाहिए, तो 10 के करीब कस्टमर फेसिंग बंदा होगा, बड़ा स्टोर है जी, तो ये 17 बंदे ना आके वो उस दुकान वाले से कहेगा जी आप मुझे ये 17 बंदे दें, दुकान वाला उससे भी पैसे लेगा, इससे भी पैसे लेगा, जो हमारे यहाँ रियल इस्टेट वाला कर रहा है वही काम सेम उनका भी है। अच्छा तो वो ये काम करते हैं, लेकिन अब लिंक्डइन जो है ना, इन्होंने उनका धंधा कर दिया बंद। लिंक्डइन पूरी दुनिया के अंदर ना उस दुकान का रोल अब लिंक्डइन अदा कर रहा है, वो दुकानें सारी, अच्छा उधर तो बंद नहीं हुई, उधर तो चल रही हैं ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है कि वो बंद हो गई है टोटल। अच्छा हमारे यहाँ तो कभी था ही नहीं वो वाले दुकान का कॉन्सेप्ट, तो लिंक्डइन जब आया ना तो लोग एकदम अमेज्ड हो गए यार ये क्या हो गया। आप सोचें मुझे वेब डेवलपर चाहिए ऐसा जो कराची में रहता हो और उसका मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, मैं लिंक्डइन के फ़िल्टर में ना यहाँ जाके एक सर्च मारूंगा ये मुझे मिल जाएगा, ठीक है, मैं इसमें जाके लिखूंगा कि जी वेब डेवलपर, ठीक है,
वेब डेवलपर। अच्छा, इन जॉब्स भी शो कर रहा है ये? असल में मैं अभी पर्सनल प्रोफाइल से हूँ, मैं जब कंपनी प्रोफाइल से जाऊँगा ना तो मुझे वो वाले सारे ऑप्शंस वो तब दिखाएगा। कंपनी प्रोफाइल में ना ये इन जॉब्स नहीं दिखा रहा होता, वो दिखा रहा होता है टैलेंट्स कि कौन बनना है। तो लिंक्डइन के ऊपर ये चीज़ बहुत आसान हो गई है कि मैं ऐसा बंदा सर्च कर लूँ जो कराची में रहता हो, वेब डेवलपमेंट का हो, रिएक्ट उसकी स्किल्स में शामिल हो और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो। मैं एक फ़िल्टर लगाऊंगा, ऐसे हज़ारों बंदे वो ला के मुझे दे देगा अगर उसके डेटाबेस में हुए तो। अच्छा, मगर वो डेटाबेस में वो कहाँ से ला के देता है? आप जब लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाते हैं तो असल में साइन अप के दौरान वो सारी डिटेल आपसे ले लेता है जो CV में लिखी जाती है कि जी आप कहाँ रहते हैं, आप फ़ोन नंबर आपका क्या है, आपके एजुकेशन क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है जॉब्स के, वो सारी डिटेल आपसे ही ले लेता है। तो असल में आपकी ये डिजिटल CV है LinkedIn.com। अच्छा, तो LinkedIn.com पे जब आप अपनी CV कंप्लीट कर लेते हैं ना तो सिर्फ LinkedIn पे साइन अप करने से ही आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, 20% आपके ना जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके मुकाबले में जो LinkedIn पे मौजूद नहीं है। अच्छा, फिर क्या होगा, आप जब ये बना के पोस्ट करते रहेंगे ना तो ये आपका अल्टीमेट क्रेडेंशियल है। अल्टीमेट क्रेडेंशियल ये है कि जी अगर कोई बंदा, मैं जैसे मिसाल के तौर पे आके बोलूँ कि यार मेरा 10 साल का वेब डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, या 10 साल से मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन जनरल 10 साल हो गए मुझे, अब उसका क्या क्रेडेंशियल है भाई? उसका तो कोई क्रेडेंशियल नहीं है मेरा। अच्छा, मैं डिग्री दिखाऊंगा तो वो तो वैसे ही फेक है आजकल, सारी डिग्रियाँ तो कागज़ का टुकड़ा है, वो तो फाड़ के फेंक दो ख़त्म हो गई, उसका क्या, उसकी कोई वैल्यू है डिग्री की? कोई भी नहीं है। तो क्या क्रेडेंशियल है भाई? अच्छा जी, कहीं नौकरी की होगी? अच्छा, मैंने तो कहीं नौकरी नहीं की कभी, इस 10 सालों में मैंने कहीं नौकरी नहीं की, जो जब से किया है इंटर्नशिप वगैरह की है 2-4, उनसे भी मैंने कभी वो सर्टिफिकेट वगैरह ना मांगा ना उन्होंने खुद दिया, और उसके बाद मैं फ्रीलांस में मूव हुआ तो टोटली फ्रीलांसिंग चल रही है जब से। अच्छा, फ्रीलांस में ये होता है जो प्रोजेक्ट्स आप बनाते हैं वो आपको नाम ही नहीं बताते उस प्रोजेक्ट का क्या है, तो आप बाद में सर्च किया खाक करेंगे उसको, तो आप ये भी नहीं बता सकते कि जी ये प्रोजेक्ट मैंने किया है, तो कोई क्रेडेंशियल नहीं है। लेकिन क्रेडेंशियल क्या है? गिटहब, कि जी गिटहब में आप देखेंगे कि आज से 10 साल पहले जो मैंने कोड लिखा था ना वो आज भी गिटहब में मौजूद है, उसको आप रीड कर सकते हैं, इवन चला के भी देख सकते हैं, चलता है वो। LinkedIn.com पे ये जो आप पोस्ट कर रहे होंगे ना आज, तो आज से 10 साल बाद ना जब आप किसी को बोलेंगे कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है तो दिस वुड बी एन अल्टीमेट क्रेडेंशियल। क्योंकि देखो, मैं ये ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मैंने 10 साल पहले प्लान किया हो कि यार 10 साल बाद मैं जाके सैलानी में पढ़ाऊँगा तो मैं उनको बेवकूफ़ बनाऊँगा उस टाइम। जी हाँ ले, तो अभी मैं ना ये बना देता हूँ, एक ऐप बना देता हूँ, लकी ड्रॉ की ऐप बना देता हूँ। ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर ऐसा है तो फिर तो कोई बहुत कुछ कर लेते लोग, ठीक है, वो तो अगले पल का पता नहीं होता। तो अल्टीमेट क्रेडेंशियल आपका ये गिटहब और लिंक्डइन है, और इससे जो दूसरा फ़ायदा होगा ना आपका, एक तो क्रेडेंशियल मेंटेन हो रहा है, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग, जाहिर है वो जो क्योंकि दुकान बन गई है ये HR की, तो सब लोग इस पे, कंपनीज भी आती हैं और आपके जैसे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल सारे लोग आते हैं, अब वो देखेंगे ना जब आप डेली बेसिस पे कि अरे यार इसने तो ये बनाया है, फिर इसने तो ये बनाया है, तो आप रिकग्नाइज हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब उससे किसी ने पूछा ना कि यार मुझे कोई वेब डेवलपर बताओ, तो वो आपका नाम लेगा होपफुली, ठीक है, या थैंक यू। अच्छा, तो फिर सेठ खुद भी आके देखते हैं लिंक्डइन पे कि यार क्या है, चल रहा क्या है। सेठ के हायरिंग का एक अपना तरीका होता है, जब ये HR वचार सब फेल हो जाता है ना तो सेठ खुद हायर करता है, बस तो वो उसके अपना तरीका होता है उसका, वो आपको लग रहा है कि आपकी कोई पोस्ट देख नहीं रहा, बहुत सारे सेठ ना आपका नाम नोट करके रखेंगे, जब इस तरह की पोस्ट आप लगाएंगे ना आपका नाम नोट करके रखेंगे, और वो ये भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं, इतने सियाणे होते हैं वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं, अच्छा यार ये अभी HTML पढ़ रहा है तो इसको 1 साल लगेगा JavaScript और वेब डेवलपमेंट पूरी करने में, तो वो डेट डाल लेता है पहले ही, एक्सेल शीट बना लेता है कि जी अगर 1 साल बाद ना मुझे बंदा चाहिए हुआ तो मैं इसको फ़ोन मारूंगा, क्योंकि अभी से वो देख लेता है कि आपकी स्किल क्या है, आपकी जो, या आपने जो बनाया है ना उसको अभी से वो जज कर लेता है कि हाँ यार दम तो है इसमें या नहीं है, तो अब वो एक्सेल शीट उसके पास सारी ज़िंदगी रहेगी, वो 10 साल बाद भी उसको बंदा चाहिए होगा ना एमरजेंसी वाला तो वो आपको फ़ोन करेगा, और जितने पैसे आप मुंह से बोलेंगे वो उतने देगा, समझ रहे हो। तो लिंक्डइन के ऊपर क्योंकि आजकल जो टाइम है ना वो डिजिटल अपेयरेंस बहुत ज़रूरी है उसमें, ठीक है, डिजिटल अपेयरेंस जब तक आपकी नहीं होगी तो आपको जानेगा ही नहीं कोई, आपका पता ही नहीं होगा लोगों को। तो हम इस क्लास में इंशाल्लाह जब हम पढ़ाई भी करेंगे साथ साथ और ये डिजिटल अपेयरेंस का भी आपके ख्याल रखेंगे, तो अल्टीमेटली जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे ना तो आपको
वैसे तो मेरी इंस्ट्रक्शन बाद में यही होगी कि आप जाके इंटरव्यूज़ दें, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कोर्स चलने के दौरान ही आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे कि यार आप हमारे पास आ जाएँ, ठीक है, इंटर्नशिप के लिए या जूनियर डेवलपर की पोस्ट के लिए, क्योंकि ये जो है हाँ जूनियर डेवलपर या इंटर्नशिप वगैरह के लिए आपको इस कोर्स के दौरान ही कॉल आ जाएगी। अगर ये चीज़ें आप हाँ लिंक्डइन से देखें, जो यूज़ करते हैं, पहले बता रहे हैं कि आती है यार लिंक्डइन से। हाँ नहीं, असल में वो दौर ख़त्म हो गया ना कि आप फिज़िकली कहीं, अब देखें यार अब नहीं, उसने जब आपने अप्लाई किया ना, उसने आपके प्रोफाइल पे क्लिक किया होगा, देखा होगा कि आपने क्या डाला हुआ है, तो एक्टिविटी ज़ीरो होगी, तो उसने बोला यार ये बस इसने फेक सीवी बनाई हुई है। सीवी फेक भी तो बनाते हैं ना लोग भाई, लिंक्डइन पे किसी ने लिख दिया यार मैं कंप्यूटर साइंस का मास्टर्स हूँ और 10 साल का सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है, उसका कोई क्रेडेंशियल थोड़ी है, वो तो लिख दिया जस्ट आपने, वो एक्टिविटी चेक करेगा कि करता क्या है, पोस्ट पर जाके कॉमेंट्स क्या करता है, वो कॉमेंट्स देख के वो जज करेगा कि आप कितने पानी में, बिल्कुल ही लो आई क्यू के हैं तो वो कॉमेंट्स देख के पता चल जाएगा, और हाई आई क्यू है तो वो भी पता चल जाएगा कि आप लोगों की पोस्ट पे क्या कमेंट करते हैं, तो वो तो पता लगाना आजकल बड़ा आसान है। फिर वो देखेगा कि जी आपका कोई गिटहब वगैरह है मेंशन सीवी में, तो वो गिटहब भी चेक करेगा फिर जाके, फिर वो ये देखेगा कि आपने ज़िंदगी में क्या क्या बनाया है, गिटहब पूरा स्क्रॉल करेगा, वो जब देख लेगा ना सारा कुछ तो उसको आइडिया हो जाएगा कि आप उसके काम के बंदे हैं या नहीं है। अब कौन आपकी प्रोफाइल आके देख रहा है ना, वो आपको पता थोड़ी चलेगा, वो उसके लिए प्रीमियम मेंबरशिप होती है, उसमें पता भी चलता है, इसमें तो पता चल जाता है। नहीं प्रीमियम होगा जब ही पता चलता है, वैसे फ्री वाले में नहीं होता, फ्री वाले में कभी रैंडमली वो बता देता है तो बता देता है जब उसका दिल करता है, हाँ कहता है बस इतने लोगों ने देखा है अब उसका पता लगा सकते हो तो लगा लो, अगर हाँ नहीं समटाइम वो एक बंदे का नाम बता देता है कि यार ये बंदा है, लेकिन वो बंदा वो इतना ऑब्वियस होता है ना, आपको पहले ही पता होता है कि इसने देखा तो होगा। जैसे मुझे कल परसों ये आप में से किसी का नाम बता रहा था कि यार फला विजिटेड योर प्रोफाइल, देखे ना ये आ रहा होता है ना, ये देखें सैयद मैसम नकवी एंड नाइन अदर, अब ये नाइन अदर नहीं दिखाएगा अब ये जो है ना रोज़ एक बंदे का नाम तो ये बता देता है, हाँ नहीं एक का नाम बताता है ये, बाकी का नहीं बताता, कहता है बस फिर पता लगा सकते हो तो लगा लो, या फिर नहीं ये पता लगे तो घूम के आ जाना, पैसे दे देना आगे। वेल हाँ नहीं ज़रूरी नहीं है, फ़ायदा नहीं है उसका कोई, क्योंकि अगर आप देखो असल में तो एचआर वगैरह वाले जो होते हैं ना लोग बाकायदा जो हायरिंग वगैरह कर रहे हैं वो तो प्रीमियम लेते हैं क्योंकि उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन आप अगर ये देखते रहेंगे ना अच्छा यार इसने मेरी प्रोफाइल देखी है, अच्छा ये नीसम में है, अच्छा ये सिस्टम लिमिटेड में है, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन बंद, वो फ़ायदा नहीं है उसका, वो जिसने आपको कॉल करनी होगी खुद ही करेगा, आप अब क्या करेंगे, उसने देखी तो आप उसको कॉल करेंगे कि भाई तूने देखी दिया भाई यार कर ही लो हायर, तो आपकी प्रोफाइल इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए ना कि वो खुद आपको कर ले कॉल, आपको करना ना पड़े, ठीक है, क्योंकि जब वो सामने से कॉल करता है ना कोई बंदा तो फिर बात और होती है, जब आप जाते हैं ना तो बात और होती है, फिर जब आप जाते हैं वो आपके इंटरव्यू भी चार करेगा, फिर आपसे वो मतलब थोड़ा ठोक बजा के बात करता है, लेकिन जब सामने से बुलाता है ना वो आपको, तो इंटरव्यू तो वो जब भी करेगा आपका टेक्निकल, तो जब भी वो जो उनका कंप्लाइंस होती है कंपनी की हर की वो तो पूरी करेगा, ज़ाहिर है फॉर्मेलिटी पूरी करेगा वो, लेकिन बात और होती है, समझ लो बात वो नहीं होती जब आप खुद जाते हो और वो सामने से बुलाता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, अलग डिफरेंस है बहुत। फिर जब आप बैठे हुए भी होते हैं उधर, जब आप काम कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है जब आप चार लोगों के बीच में बैठ कर डेवलपमेंट करेंगे ना तो वहाँ पे आपकी स्किल बड़ी मैटर करती है, तो वो ज़ाहिर है जब आप स्किलफुल होंगे ना तो वहाँ पे भी बड़ी इज्जत होती है, तो ये आप याद रखें हमेशा कि जो है ना कॉम्पिटेंस की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, वो लोग कहते हैं कि नहीं है पाकिस्तान में और ये वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आप जो साइकोलॉजी में आप देखेंगे ना लेवल ऑफ हायरार्की एक होता है, हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस उसको कहते हैं साइकोलॉजी की ज़ुबान में, तो उसमें आप देखें कि जो है ना वो जब हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस में जब आप टॉप पे होते हैं ना तो बताने की ज़रूरत नहीं होती, फिर खुद पता चल जाता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे इस क्लास में जो बेस्ट स्टूडेंट है वो अभी थोड़े दिनों में ना खुद ही पता चल जाएगा आपको, मैं यहाँ लिख के बोर्ड नहीं लगाऊंगा कि यार ये स्टूडेंट अच्छा है या ये टेक्निकली बहुत कॉम्पिटेंट है, वो खुद पता चल जाएगा आपको, जब उसके दो चार असाइनमेंट इधर खुलेंगे और आपस में जब आप बात करेंगे तो खुद ही पता चल जाता है कौन कितने पानी में, और थोड़े दिनों में मैं पूछूंगा ना कि यार बेस्ट स्टूडेंट कौन है तो शायद सब लोग एक ही बंदे की तरफ इशारा करें, तो ये हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस है ना ये बताता नहीं है कोई, ये हर बंदे के इंस्टिंक्ट में होता है, और ऑटोमेटिकली ना जो आपसे ऊपर होता है ना आप मान लेते हैं हाँ यार ये ऊपर है, ठीक है, वो आप बिला वजह ऊपर से कुछ भी करते ना लेकिन दिल से आपको पता होता है हाँ यार ये ऊपर है,
या जो नीचे होता है उसका भी आपको पता होता है कि यार ये चल बच्चा है मेरे सामने, उसको मैं देख लूँगा, इसका इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन मिल गई लिंक्डइन वाली। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस लिंक्डइन वाले से मुतालिक तो पूछ ले, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं फिर। यार अच्छा, लिंक्डइन की प्रोफाइल तो खैर मैंने बहुत बाद में बनाई थी ना, जब जिस वक्त मैंने फ्रीलांसिंग वगैरह शुरू की थी तो उस वक्त लिंक्डइन का पता नहीं था मुझे, था तो उस वक्त भी लेकिन शायद उस वक्त इतना फेमस नहीं था या मुझ तक बात देर से पहुंची, तो लिंक्डइन मेरा नहीं था उस वक्त। फेसबुक चलता था उस वक्त बहुत, अब तो फेसबुक नहीं चलता, तो फेसबुक की मेरी एक पर्सनल प्रोफाइल थी वो मैं शेयर करता था। हाँ गिटहब मैंने बना लिया था शुरू में ही, एक गिटहब मेरा ब्लॉक हो गया अभी जो बोला है वो मैंने बाद में बनाया था, तो गिटहब मैं भेजता था। उसके अलावा मैंने जो क्रेडेंशियल्स बनाए थे ना अपने, वो थोड़े मैंने दूसरे तरह के बनाए थे। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो चीज़ें करें। मिसाल के तौर पे जब मैंने चैटबॉट पे काम शुरू किया तो पहले ही 6 महीने में ना मैंने एक कोर्स बनाया था, यूडेमी पे एक वीडियो कोर्स बनाया था मैंने, वो बना के मैंने अपलोड किया था। तो फिर ज़ाहिर है उस पर वो रेटिंग वेटिंग आ गई, लोगों के अच्छे रिव्यूज़ आ गए कि हाँ यार अच्छा कोर्स है, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और आपने सारे मसले हल कर दिए मेरे, इस तरह के ना कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए। अब वो क्या होता था कि जब मैं किसी क्लाइंट को वो भेजता था ना तो वो फिर अगली बात नहीं करता था मेरे से, गिटहब और वो साथ में। अच्छा फिर मैंने 2-4 जो क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए थे ना उसकी मैंने वीडियो बना ली थी, वो मैं अभी भी बनाता हूँ, वो यूट्यूब पे प्राइवेट करके वो अनलिस्टेड करके वो पड़ी होती है। तो मैं वो 2-4 ना वीडियोज़ मैं बना के रखी हुई थी मैंने, तो बस मैं वीडियो वो वाली भेजता था और कोर्स का लिंक भेजता था। उसमें 20,000 स्टूडेंट इनरोल हो गए थे उस ज़माने में और सारे गोरे थे ज़्यादातर यूडेमी पे, और वो फ्री कोर्स था। तो वो 20,000 उसमें इनरोलमेंट मैं लिखता था, यार ये कोर्स मैंने बनाया है चैट बॉट का। उस वक्त इंटरनेट पे कोई कोर्स ही नहीं था, डायलॉग फ्लो लिखो कुछ भी नहीं आता था, 0 रिजल्ट्स। तो वो यूडेमी पे कोर्स था उस वक्त, जब उसका लिंक मैं किसी को भेज देता था ना तो वो अगली बात नहीं करता था मुझसे, वो कहता था ठीक है यार हो गया, डन हो गया। तो इस तरह का क्रेडेंशियल बनाया था। अच्छा मैंने सोचा था पहले कि मैं बुक लिखूँ और मैंने बुक लिखना शुरू भी की थी, लेकिन यार लिखना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा यार बोलने की आदत है और वैसे भी वॉइस कंप्यूटिंग मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि यार बोलने और सुनने की बात और है, लिखने का मसला है, पढ़ने का भी मसला है, मुझसे अभी भी बुक नहीं पढ़ी जाती, लेकिन आप देखें मैं बोलता जा रहा हूँ आप सुनते जा रहे हैं। तो फिर मैंने ना इसलिए वो कोर्स बना लिया। तो ये इस तरह से मैंने काम को संभाला था। और किसी का कोई सवाल है? यार स्किल असेसमेंट तो देखो मेरे हिसाब से ना स्किल असेसमेंट की कोई वैल्यू नहीं है लिंक्डइन पे जो होता है, वो इसलिए नहीं है वैल्यू कि यार स्किल असेसमेंट आप साथ में कोई इंटरनेट से लगा के आप वो टेस्ट पास कर लोगे, सही है ना, तो वो ऑथेंटिक नहीं है। वो ऑथेंटिकेशन का क्या है उसके तरीका है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं है। लेकिन ये जो आपने बनाया ना ये वाला, ये जो वीडियो चल रही है आपके सामने, ये ऑथेंटिक है, ठीक है, क्योंकि ये इसका कोड भी आपके गिटहब में, ये कोड मोस्ट प्रॉब्ली आपने खुद ही लिखा है, ठीक है। आमतौर पर कोई कोड को कॉपी पेस्ट करके ये चीज़ नहीं बना सकता। देखो मैं, मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया ना 10 साल का, मैं कोड को देख के मुझे पता चल जाता है ये कॉपी पेस्ट है या इसने खुद बनाया है, समझ रहे हो। यानी आप जो सब लोग बैठे हैं, आपने मुझे अभी एक असाइनमेंट तो सबमिट करा दिया ना आज, तो मैं पिछला कोड आपका मैंने देखा हुआ है ना अगर, और अगले कोड में आपने एकदम कोई ऐसा कोड लिखा हुआ है जो एडवांस लेवल का है, तो इसका मतलब क्या है, कॉपी पेस्ट है, ठीक है। तो आमतौर पर ये कॉपी पेस्ट नहीं कर पाते लोग। जो बंदा देखो जिसमें इतनी मोटिवेशन नहीं है ना कि वो खुद कोड ना लिख सके, जिस बंदे में इतनी मोटिवेशन नहीं है कि वो अपने हाथ से कोड लिख सके, वो कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकता। ये मैं एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ। वो एक दफ़ा बनाएगा ऐसा कुछ या 2 दफ़ा बनाएगा, तीसरी बार उसकी हिम्मत नहीं होगी कॉपी पेस्ट करने की, क्योंकि इन रियलिटी ना कॉपी पेस्ट में मेहनत ज़्यादा लगती है, खुद से कोड लिखने में मेहनत कम है। अगर आपको पता है आता है ना कोड आपको, तो खुद से लिखने में मेहनत कम है। मिसाल के तौर पर मैं ऐसे प्रोजेक्ट से दूर भागता हूँ जो एग्जिस्टिंग कोड हो, जिसके अंदर एग्जिस्टिंग कोड किसी और के हाथ का लिखा हुआ और हो ना अगर, तो मैं उससे दूर भागता हूँ, या मैं उससे अच्छे पैसे में मिलता है जब ही पकड़ता हूँ, वरना नहीं पकड़ता। क्योंकि दूसरे का कोड समझना यार कोई कम आसान बात है कोई, फिर उसको मॉडिफाई करना। तो भाई किसी का कोड आपने अगर कॉपी करके पेस्ट कर दिया ना, वो तो उतना तो चल जाएगा, लेकिन उसके आगे जो आपने करना है ना वो नहीं होगा। फिर वो सम टाइम ब्रेक होता है, फिर सम टाइम ये होता है लोग टेम्पलेट वगैरह से भी ये बना लेते हैं, लेकिन वो टेम्पलेट में तो आप जब खोलेंगे ना सोर्स कोड, तो कहीं ना कहीं उसका नाम लिखा हुआ होता है टेम्पलेट का। तो अगर कोई इतना ही फारिग है कि वो टेम्पलेट को छान छान के उसमें से नाम हटा के अपना लगा रहा है, तो फिर वो यानी अल्टीमेटली ये चीज़ें चलती नहीं है। जो सेट है ना वो इतना तो समझदार है, वो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। अब मैं ये बता सकता हूँ इस वीडियो को देख के,
अब ये टेढ़ी क्यों हो गई, क्या सीन है भाई? अच्छा 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 अब इसका यूआई देख के मैं बता सकता हूँ ना कि एक बिगनर स्टूडेंट ने अपने हाथ से बनाया कोड, क्योंकि ऐसा आड़ा टेढ़ा ना कहीं टेम्पलेट में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जो इसने मतलब स्टाइलिंग की है ना वो थोड़ी आगे पीछे, ये देख रहे हो फॉन्ट, इसने ये फॉन्ट कौन सा लगाया है, कभी भी किसी टेम्पलेट में ना ये फॉन्ट नहीं लगा हुआ होगा जो इसने ये थैंक यू फॉर विजिटिंग में लगाया है, कभी भी नहीं होगा ये। पता नहीं जो भी फॉन्ट है ये, बहरहाल ये बहुत एक तो पुराना फॉन्ट हो गया, दूसरा ये अब देखो ना इस पर कोई और फॉन्ट है, इस पर कोई और फॉन्ट है, तो इसका मतलब ये है कि इसने खुद ही लिखा है, ये एक बाकायदा झलक आ रही है कि यार किसी बिगनर ने लिखा है वो, तो ये झलक रहेगी। आप इस लेवल पे ना, इस पॉइंट पे आप जितना मर्जी आप एफर्ट कर लें, ये वाली झलक आप ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है? अब ऐसा नहीं करना कि ये हरकतें ये वाली शुरू कर दो कि यार मेरा कोड वाहियात दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो आप ख़त्म कर ही नहीं सकते, ये चीज़ छोटी मोटी रहेगी उसके अंदर। तो इसको देख के पता चलता है कि अच्छा यार ये कोड खुद लिखा है उसमें। जी सर, ये जो कैनवास है, हाँ, यार कैनवा फोटोशॉप की तरह का एक सॉफ्टवेयर है, थोड़ा इजी टू यूज़ है, दैट्स इट। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से उसका ताल्लुक नहीं है कोई, वो तो एक फोटोशॉप के जैसा एक सॉफ्टवेयर, ये भी मुझे पता नहीं है, मैं तो फ्री वाला यूज़ करता हूँ, प्रीमियम भी उसमें है। हाँ जी, हाँ नहीं, इंस्पिरेशन ले लें आप दूसरों के कोड से, देख लेंगे उसने कैसे किया है। नहीं, अगर हम कॉपी करके उसमें मॉडिफिकेशन कर लें, लेट सब लोग कहने के भी मुश्किल होता है, लेकिन अगर इजी हो, इतना ज़्यादा हार्ड कोड नहीं है, छोटी मोटी चेंजेस करनी है अपने तरीके में लेके आना, तो वो कर सकते हैं। देखो कॉपी पेस्ट जब मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं पूरे पूरे ऐप की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये, मिसाल के तौर पर मैं ये गूगल करता हूँ कि जी जावा स्क्रिप्ट में लोकेशन कैसे क्रिएट करता है, तो वो दो लाइन का कोड अगर किसी ने सजेस्ट किया हुआ है ना स्टैक ओवरफ्लो, दो लाइन का कोड है कि जी दो लाइन लिखेंगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स दे देगा, तो अगर वो आप कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, वो आप हाथ से लिख लें या उधर से कॉपी कर लें दो लाइन, तो दैट्स इट, कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ लेकिन यार आप पूरा का पूरा है ना 2000 लाइन का कोड आप कॉपी करेंगे ना अगर, तो वो आपके गले में फिट हो जाएगा, ठीक है? या इवन अगर आपने 100 लाइन का भी कोड कॉपी कर लिया ना, अच्छा सम टाइम क्या होता है, कुछ बने हुए फंक्शंस होते हैं, मिसाल के तौर पे आपने सर्च किया कि यार एक ऐसा फंक्शन चाहिए मुझे जो URL encoded को ना नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे, अब किसी ने वो फंक्शन पूरा बना के दिया हुआ है, तो वो फंक्शन आप पूरा कॉपी कर लें, उसको एज इट इज़ इस्तेमाल करें आप, तो वो उसमें मजायका नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन प्योर फंक्शन होगा जी, आप इनपुट देंगे वो आउटपुट देगा, दैट्स इट। दरमियान में उसकी जो लॉजिक है वो उसने सोच समझ के लगाई है, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको वेरीफाई कर लें कि हाँ यार ये सही लॉजिक है, अदरवाइज़ अगर नीचे 4-5 लोगों ने कहा ना कि ये सही चल रहा है, तो आप उसको वैसे भी, लाइब्रेरीज भी तो यूज़ कर रहे हैं ना आखिर, हम लाइब्रेरी क्या है, किसी और का लिखा हुआ कोड है, तो लाइब्रेरीज़ तो यूज़ करते हैं ना स्टिल, जैसे एक्सियोस की लाइब्रेरी है, अब वो एक्सियोस वाला काम बगैर एक्सियोस के भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन अब वो अगर हम खुद से करने लगे तो फिर 200 लाइन का कोड हमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा उसके लिए, तो हम एक्सियोस, नहीं मैं कह रहा हूँ लाइब्रेरी यूज़ किए बगैर भी वो काम हो सकता है जो प्रिंट करा सकते, जी हाँ हाँ, लेकिन उसमें आपको वो एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा ना, वो जो लाइब्रेरी में उन्होंने लिख दिया है ना वो कोड आपको हाथ से लिखना पड़ेगा। पर अगर आप किसी भी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, किसी भी लैंग्वेज में जितनी भी लाइब्रेरीज आप यूज़ कर सकते हैं, जो करते हैं आप, वो तमाम काम बगैर लाइब्रेरी के भी हो सकता है, लेकिन वो कोड आपको लिखना पड़ेगा। वो फंक्शंस लाइब्रेरी किस चीज़ को कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं कि जी बहुत सारे फंक्शन को एक जगह इकट्ठा कर दिया तो वो लाइब्रेरी बन गई, जैसे बहुत सारी बुक्स को एक जगह इकट्ठा किया तो लाइब्रेरी बन गई बुक्स की, तो ये प्रोग्रामिंग में लाइब्रेरी इस चीज़ को कहते हैं, ठीक है जी? अच्छा